Dear students, my Japan class plus one subject mathematics, the final sample paper 2 start karange. Theek hai, pehle apan section A start karange. Is section vich kul 32 questions ne, te har ek question ki hai 1 marks da. Theek hai, te shuru karde hain. Section A to. Section A the first question. Choose the correct option in the following questions. First part is the sets of months of a year is. उन्हें पूछा कि ये set किस तरह का है? पहला option है का infinite है. देखो infinite ना बाकी जितने element रुक देनी. 1, 3, 5 for example and so on. मतलब enter नहीं होता. ते सानू पता है कि the sets of months of a year मतलब जनवरी शुरू है जनवरी फ़रवरी मार्च अप्रैल तो लाके लास्ट क्लास यहाँ साड़ी कॉल अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर नवंबर दिसंबर ठीक है राइट मींस टोटल हो गया साड़ी कॉल 12 मंथ्स मतलब जनवरी शुरू हो गए है दिसंबर तक रुक गए मतलब दिस इज जो रुक जाते हैं उन्हें फाइनेट जो रुकते नहीं होंगे इनफाइनेट मतलब जो पढ़ते जाते हैं ठीक है हम इनफाइनेट नहीं बनना नहीं इनफाइनेट क्योंकि ये सेट इन्हें सेट रुक जाना आगे क्योंकि जनवरी शुरू हो गए इन्हें रुकना है दिसंबर तक ठीक है टोटल 12 मंथ्स आते यार तो मतलब सी दे सी सिंगलटन सेट पता कि ना ये सिर्फ एक एलिमेंट हो गए ठीक है कोई भी एलिमेंट ए मान लो जिदा इन आप कहने सिंगलटन सैट ओके तो यहाँ मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आ रही क्योंकि इतने किन्ने एलीमेंट आ गए देखो 1, 2, 12 एलीमेंट आए टोटल 12 एलीमेंट्स आ रहे हैं नन ऑफ दिस भी कट दो तो साढ़े को ऑप्शन कही आ गई इट इज़ फाइनल सैट ठीक है फाइनल सैट मीनस जेडे कितने के जाके रुक जाते हैं जनवरी तो शुरू हो गए दिसंबर तक रुक गए मतलब टोटल जिन्होंने पा एलीमेंट गिन सकते हैं इस टोटल 12 एलीमेंट्स हैं ठीक है 12 एलीमेंट्स सो दिस इज फाइनल सेट ठीक है ऑप्शन इज बी बी टिक कर लो सेकंड पार्ट इफ सेट हैज 4 एलीमेंट्स मतलब हर को 4 एलीमेंट आ गया ए बी सी एंड डी देन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट देखो प्रॉपर नू ध्यान समझना अपना ऑफ सैट ए आर देखो साढ़े को कहना कि जो फॉर्मूला होंगे साढ़े को नंबर ऑफ सबसेट का दैट इज 2n ठीक है तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स इस पता कि ना 2n माइनस 1 हो जाता रीजन पता की है इस वो एलीमेंट नहीं आता जोड़ा ये अपने आप बराबर है नोट करो इस गल कि ये लोग पता इदा करते हैं पहले आंसर कर लेने आंसर की है वट एन इज नंबर एलीमेंट इन द सैट सैट ए मान लो सैट ए किन्ने एलीमेंट ने 4 हो रही है ना देखो चेक करो 1, 2, 3, 4 फोर एलीमेंट्स ने आप क्या है तो एन इज 4 टेन 4 पता आप माइनस 1 प्रॉपर सबसेट माइनस 1 होना जरूरी है ठीक है 2 का पावर 4 कितना बने 16 बन गया माइनस 1 कितना आया 15 आंसर आ गया आंसर इज 15 सी एफ एंड कर लो देखो ये कितना बनया ये भी गल समझ लो नोट करो कि अगर साढ़े को असी अगर सैप सबसेट बनाने हैं मतलब ए बी सी डी ठीक है साढ़े को एलीमेंट्स है सबसेट आने एक तो फाई आएगा एम टी सैट पहले सिंगल सिंगल एलीमेंट आते हैं राइट फिर आते हैं डबल दो दो एलीमेंट कितने रखो ए कोमा बी ए कोमा सी ए कोमा डी ठीक है ठीक है ना ए कोमा बी ए कोमा सी ए कोमा डी
और तो बाद बी कॉमा सी। वैसे उन्हें क्या नहीं कंटिन्यूअस एलिमेंट्स अपन जस्ट अंडरस्टैंड कर रहे हैं बी सी बी डी ठीक है। बी डी भी आना साढ़े को फिर की आना साढ़े को बी सी बी डी हो गया फिर सी डी आना राइट क्लियर हो गया। हूँ आप गल करेंगे तीन तीन एलीमेंट तीन तीन एलीमेंट करेंगे ए बी सी हो गया ठीक है फिर ए बी डी हो गया ए सी डी हो गया ए सी डी ठीक है फिर बी सी डी हो गया एंड च आ गया साढ़े को चार एलीमेंट ए बी सी डी ठीक है। गिलने किन्ने बनते हैं देखो एक दो तीन चार पाँच ठीक है आ पाँच हो गए छे सत्त अठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह ते सोलह टोटल सोलह एलीमेंट हो गए किन्ने हो गए सोलह एलीमेंट ठीक है। हूँ देखो ये है नंबर ऑफ ये सबसेट्स दिस इज सबसेट ठीक है नंबर ऑफ सबसेट्स आप गिले किन्ने बन गए सोलह। हूँ देखो ये ना जो एक सैट है वा वो प्रोपर नहीं है वो है ये वाला ये अपने आप इक्वल है ये इक्वल है ठीक है। प्रोपर सबसेट होंगे जो जो एलीमेंट इस सैट नो घट हो सैट नो घट हो देखो बाकी पंद्रह के पंद्रह देखो पंद्रह दे है पंद्रह जो सैट्स बने साढ़े उन्होंने एलीमेंट इन्हों घट है लेकिन इको सैट है जो एलीमेंट ये बराबर है ये सबसेट है लेकिन प्रोपर नहीं है क्योंकि ये इक्वल भी है आप कह सकते हैं कि दिस इज सबसेट भी है इक्वल भी है ठीक है इदा साइन बनने इसलिए इनू प्रोपर सबसेट नहीं गिनना साड़ा आंसर किन्ना गया नंबर ऑफ प्रोपर सबसेट्स सोलह बने किन्ना गया पंद्रह ठीक है। तुम्हें इदा भी दसता कि पंद्रह आंसर होगा साढ़े को ठीक है ओके। वैसे तुम फॉर्मूले भी कराता फॉर्मूले वैसे करना तो ये तो अंडरस्टैंडिंग से ना आंसर इज 15 ओके क्लियर है राइट। थर्ड पार्ट इज वेरी ईजी क्वेश्चन जो सू गिवन की है कि 2x कॉमा एक्स प्लस वाई दिस इज ऑर्डर पेयर दिस इज ऑल्सो ऑर्डर पेयर एंड टू ऑर्डर पेयर आर इक्वल यदा मतलब साढ़े को जोड़े कोरसपोंडिंग एलीमेंट्स आएंगे वो इक्वल आएंगे मीनस पहला एलीमेंट इक्वल हो गया ठीक है। 2x बराबर कितना गया 6 तो दूसरा एलीमेंट दूसरे इक्वल हो गया ठीक है x प्लस वाई इक्वल टू 2 राइट तो x पता कर लो 6 पर ठीक है 2 इधर आना डिवाइड किया कि आया हट के तो इन्ना गया एक्स कि साढ़े को आ गया 3 एक्स इज 3 एक्स तो वाई पता आप वाई पता करना वा ना अभी वाई पता करना इस एक्स वाली इतनी भरदो 10 प्लस वाई कि आया 2 आ गया वाई कि आया 2 माइनस 3 इधर आ गया ना माइनस हो गया इधर आ गए वाई कि आ गया साढ़े को 2 माइनस 3 इज माइनस 1 सो वाई इज माइनस 1 ठीक है अभी वाई करना ना वाई माइनस 1 डी ऑप्शन टिक कर लो बस वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द कोस 765 डिग्री देखो मैं कि सोल्व करा कोस 765 डिग्री देखो कोई भी क्वेश्चन आए हमेशा ना 90 डिवाइड कर लो डिवाइड बाय 90 यह आना 8 तक कहना 720 आ गया माइनस कितना कहना 45 डिग्री ठीक है आ गया तो यह मतलब 765 ऊपर लिख सकते हैं 19 × 8 प्लस रिमाइंडर यह 765 बनेगा चेक कर सकते हैं अपन देखो ये 720 है प्लस 45 प्लस करेंगे तो की बनेगा 765 बनेगा ठीक है
राइट, इधर मतलब कोस ना क्या देखो, इन लिखेंगे अपन 19 to 8 प्लस 45 डिग्री। ओके, हम एक गल नोट करो कि एक ही हटे को 90 था ईवन मल्टीपल, ये है ईवन मल्टीपल, 90 था ईवन मल्टीपल, ठीक है। ओके, जगर इतने ईवन है साढ़े को स्केज पे क्यों साढ़े कोज ने चेंज नहीं होना, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री है उन्हें चेंज नहीं होना, चाहे वो साइन होए कोज हो टैन होए कोसेकन सेकन कोड उन्हें एज इट इज आना, बिकॉज दिस इज द ईवन मल्टीपल ऑफ 90, राइट। ओके, हम देखो करना की अपना, हूँ अपना लिख लेना, देखो सीधे ही लिख लेना अपना, इतने आना साढ़े को सीधे ही आना कोस 45, बनाना कोस 45 डिग्री। हूँ प्रॉब्लम है साढ़े को साइन कितना लाइए, इतने प्लस लाइए कि माइनस लाइए, सानू इतना नहीं पता, उल्ले आप बनावे क्वाड्रेंट्स, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट की साढ़े को ना ऑल पॉजिटिव आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू साइन थे सेकंड पॉजिटिव, थर्ड टैन थे फोर्थ पॉजिटिव, इतने कोस थे सेकंड पॉजिटिव, ठीक है। और देखो 19 टू 8 आए, देखो आगे ना डिफरेंस होता है 90 ना, ये भी 90 होता, ये भी 90, सारे 90 दिस इज ऑल्सो 90। ओके, आप 8 राउंड लाने हैं 90 दे, ठीक है, मतलब इतने तो इतने गए पहला आप 90 हो गया, ठीक है, फिर इधर आए 90, फिर 90 अब, ठीक है, फिर 90। ओके, चार चक्कर ना, चार बजे आप 90 कर लें, फिर पंजा 90, 6 7 ये हो गए 8 90 हो गए, ठीक है, 8 90 कवर करने तो बाद आप इतने आ गए, वी आर हेयर, आप इतने आ गए, ठीक है। हूँ प्लस 45, ठीक है, थोड़ा आ गया प्लस 45, मतलब इतने आ गए प्लस 45, ठीक है। एक क्वाड्रेंट है देखो, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट की कोई टेंशन ही नहीं, ऑल पॉजिटिव, जो साइन करा गया प्लस दा गया, ऑल पॉजिटिव, ठीक है ना, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दिस इज ये तो साइन कड़ा गया साढ़े को प्लस दा गया, एंड कोस 45 डिग्री सानू पता करना 1/√2, ऑप्शन इज 1/√2 कितने देखो चेक करो, क्वेश्चन नंबर सी साढ़े को फोर्थ 1/√2 ये आंसर आ गया, ठीक है, वेरी इजी क्वेश्चन, क्लियर है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन फिफ्थ, फाइंड द डिग्री मेयर ऑफ 5/3। सानू पता है कि अगर आप रेडियन, दिस इज रेडियन फॉर्म, ठीक है, रेडियन तो कन्वर्ट करना आप डिग्री, ठीक है, दिस इज रेडियन, जब इन कन्वर्ट करा आप डिग्री, इन मल्टीप्लाई करा आप 180 ऑफ पाई ना, हूँ ये बन गया साढ़े को डिग्री, ठीक है। हूँ देखो पाई ना पाई कैंसल हो रहा इतने, तो 3 6 0 6 आ गया, ठीक है, राइट, कटिंग हो रही साढ़े को, इन मल्टीप्लाई कर लो बस, 5 × 60 आया ना, 5 × 60 डिग्री, ठीक है, इन मल्टीप्लाई कर लो कि आया 300 डिग्री, वेरी इजी क्वेश्चन, ऑप्शन इज ए, क्लियर है। फर्स्ट का सिक्स पार्ट, इसमें हमारे पास क्या है कि साइन थीटा इज गिवन, राइट, एंड थीटा बिलोंग टू थर्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट tan and cot is present, so it is positive, right। देखो पर करना क्या है कि
असी जाना वा साइन तो टैन तक, ठीक है। इस तरह करते हैं, अपना आइडेंटिटी यूज करनी है। फिर नंबर ते वट गिवन साइन थीटा इज माइनस थ्री ऑफ फाइव, अगर साइन थीटा साढ़े को माइनस थ्री ऑफ फाइव साइन उल्टा की बनूगा कोसेकन, उल्टा कर लैन, ओके बन गया साढ़े को माइनस फाइव ओवर थ्री, राइट। जी साड़ी को आइडेंटिटी हैगी है डेडी कोसेकन स्क्वायर थीटा, जो आप टैन तक जाना सानू इनू कोड चेंज करना पैना, क्योंकि कोसेकन रिलेशन टै कोड ने का फॉर्मूला साढ़े आइडेंटिटीज कोसेकन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज वन। जो आप कह सकते हैं कि कोसेकन स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है। कुछ सीखने वाली कितनी होगी साढ़े को, जो स्केयर है ना कुछ करने वाली है साढ़े को माइनस फाइव है थ्री माइनस वन इक्वल कितना गया कोट स्केयर थीटा, राइट। ऊपर स्केयर भी गया स्केयर, ठीक है। जैसे स्केयर माइनस फाइव का स्केयर कितना बन गया ट्वेंटी फाइव अपॉन नाइन प्लस वन नाले माइनस वन इजकल टू कोट स्केयर थीटा, एलसीएम इज नाइन ट्वेंटी फाइव माइनस, ठीक है तो वन लगा लो पहला नाइन एलसीएम आ गया, इन मल्टीप्लाई कितना आया ट्वेंटी फाइव, इन मल्टीप्लाई कितना आया नाइन, ठीक है इजकल टू कोट स्केयर थीटा, क्लियर है। इस इतने कर लेने अपन दिस इज एक ना बन गया देखो दिस इज सिक्सटीन अपॉन नाइन इतने कर लेने, ठीक है क्वेश्चन इजकल टू कोट स्केयर थीटा, राइट। कोट स्केयर थीटा इजकल टू देखो कितना आया सिक्सटीन ओवर नाइन, कोई गल है ठीक है। एंड कोट थीटा इजकल टू कितना बन गया प्लस माइनस सिक्सटीन अपॉन नाइन, कोट थीटा इक्वल टू प्लस माइनस ये बन गया फोर, ये बन गया थ्री, देखो इच्छे साढ़े को प्लस माइनस आया, ठीक है। लेकिन गल कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट की, ठीक है ओनली थर्ड क्वाड्रेंट, इन थर्ड क्वाड्रेंट टैन एंड कोट इज पॉजिटिव, मतलब इतने आना साढ़े को प्लस आना सिर्फ बिकॉज थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है राइट। हम देखो करना की है टैन थीटा करना वा, देखो कोट का उल्टा क्या वो टैन उल्टा क्या बन गया साढ़े को टैन बन गया, जन लिख सकते पाँ इट इज़ वन ओवर टैन, ये भी लिख सकते पाँ, ठीक है वन ओवर टैन इजकल टू फोर ओवर थ्री, फोर टैन थीटा इक्वल टू कितना आ गया थ्री, राइट। एंड टैन थीटा इक्वल टू थ्री अपॉन फोर, राइट। दिस इज आंसर टेन इज थ्री अपॉन फोर, आंसर इज देखो ए ऑप्शन टिक कर लो इट इज थ्री अपॉन फोर, क्लियर है राइट। सेकेंड पार्ट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज, देखो साढ़े को जेकर ए कोस थीटा होए बी साइन थीटा होए, ठीक है एंड मैक्सिमम वैल्यू इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है
राइट देखो सारे को ये हैगा इस टाइम कोज साइन प्लस कोज या फिर कर सकते कोज प्लस साइन का लिखो ही है कोज प्लस साइन ठीक है प्लस सी है ठीक है नोट करो कि थे वन लगा लो थे वन लगा लो सानू क्लियर कट नज़र आएगी एक ना हो गया ए कंपेयर करो ना ए वन हो गया बी कितना हो गया देखो कंपेयर किया था वी वन हो गया राइट ठीक है बस आप वैल्यू कर लेने पा मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इज वन बी इज वन ठीक है एक आंसर आगे देखो वन दस के वन आ गया वन दस के वन आ गया ठीक है वन स्केयर इज वन इट इज वन ठीक है दिस इज रूट टू दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ठीक है अगर मिनिमम वैल्यू कटनी हो तो आपको सिंपली करना इन केस ऑफ मिनिमम वैल्यू ये भी ठीक देख लो मिनिमम वैल्यू इज माइनस आया ना ठीक है ए स्केयर प्लस बी स्केयर पर आप इतने मैक्सिमम वैल्यू करनी है ठीक है मिनिमम वैल्यू सिर्फ माइनस आना वा एंड मैक्सिमम वैल्यू इज रूट टू आंसर इज ए ऑप्शन टिक कर लो ठीक है ए ऑप्शन रूट टू क्लियर है एट पार्ट इज रियल पार्ट ऑफ द कंप्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू वन माइनस योटा इज साढ़े को जो कंपलैक्स नंबर होता वा वो होता वा ए प्लस योटा बी टाइप का ठीक है या फिर ए प्लस बी योटा एक ही गल है इस आ गई है रियल पार्ट तो योटा जो नाल लगा वा उन्होंने कहने इमेजनरी पार्ट ठीक है योटा के नाल मतलब योटा नाल नहीं मिलाना आप जो सा गिवन कंपलैक्स नंबर है वो कि वा देखो वन माइनस योटा ठीक है इतना कोई इतने वन लगा लो अपने आप ही राइट तो साढ़े को पहला इमेजनरी पार्ट गल करते हैं वैसे उन्हें कहा नहीं है इमेजनरी पार्ट इज योटा नाल मीनस माइनस वन कि आ गया माइनस वन ठीक है एंड रियल पार्ट इज दैट इज वन कि आ गया वन ओके तो आंसर इज वन रियल पार्ट की गल करनी है रियल पार्ट इज दी ऑप्शन दैट इज वन ठीक है क्लियर है नाइन्थ पार्ट इज सॉल्यूशन सेट ऑफ टू एक्स माइनस एट लेस देन जीरो इज वेरी इजी क्वेश्चन टू एक्स माइनस एट लेस देन जीरो इदा करो अठ भेज दो इन बनना प्लस अठ टू डिवाइड कर लो अठ फटा कितना आ गया दो आ गया राइट कटिंग हो गई देखो एक्स ना आ गया साढ़े को लैस दैन फोर आ गया ठीक है हूँ आवेंगे अपना नंबर लाइन तो फोर लगा लो ठीक है एक्स लैस दैन फोर आ गया ना सोल्व किया देखो नोट करो कि इतने साढ़े इक्वल साइन नहीं है जो नहीं है तो इतने अगर साढ़े को अनफिल्ड सर्कल सर्कल डार्क नहीं करना आप इधर कि माइनस इनफिनिटी इधर कि वा प्लस इनफिनिटी जेकर आप प्लॉट करेंगे देखो कि होगा साढ़े को एक्स लैस दैन फोर मतलब आ हो गया साढ़ा ओपन अनफिल्ड सर्कल तो सारी लाइन आप कवर कर लेनी ठीक है टू माइनस इनफिनिटी ठीक है ये साढ़ा आंसर आ गया ठीक है हूँ देखो नोट करो कि इनू लिखा माइनस इनफिनिटी हमेशा इनफिनिटी वाला ओपन ट्रबल लेना फोर वाला आएगा वो भी ओपन ट्रबल आएगा क्योंकि इतने इक्वल टू नहीं है ठीक है जो इक्वल टू हूँ फिर आना है क्लोज मतलब इतने इनफिल करना है पूरा इनफिल कर लेना है हूँ आएगा अनफिल्ड दिस इज अनफिल्ड ठीक है राइट दिस आंसर राइट सो आंसर इज ऑप्शन देखो ये साड़ी है ऑप्शन
माइनस इन्फिनिटी टू फोर ओपन इंटरवल लेना, ठीक है, ए ऑप्शन टिका लो, ऑप्शन इज ए माइनस इन्फिनिटी टू फोर, क्लियर है, वेरी इजी क्वेश्चन। टेंथ पार्ट इज सम ऑफ टेन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टेन एंड थर्टी विल बी, देखो साढ़े को ना एक रिजल्ट है वा, रिजल्ट इज सम ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स इज इक्वल टू एन टाइम का सिंगल अर्थमेटिक मीन, सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, मतलब साढ़े को अगर एन अर्थमेटिक मीन ए तो बी है तो वह जो सम होगा ना वो कि बराबर होगा एन टाइम का सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, मीनस ए वन ये साढ़े को रिजल्ट है, ठीक है, ए थ्री ए एन तक, ठीक है, वो आऊगा साढ़े को एन टाइम सिंगल अर्थमेटिक मीन, मीन ए प्लस बी बाय टू, ये हमारा सिंगल अर्थमेटिक मीन। आप करना की है सम ऑफ टेन अर्थमेटिक मीनस, साढ़ा क्वेश्चन हूँ स्टार्ट हो गया, यह आऊगा साढ़े को दो नंबर कड़े कड़े, देखो चेक करो ए तो बी कड़ा वा, हूँ इतने एन टाइम है ना, मतलब इतने से एन टाइम इतने एन सी हूँ इतने टेन है, इतने आपको टेन को टेन टाइम, ठीक है, यही बनूगा ए प्लस बी ओ टू, नंबर कड़े ने देखो नंबर नंबर है गया ए ए हो गया या बी हो गया, ठीक है, ए इज थर्टी ए इज टेन एंड बी इज थर्टी, ओके वैल्यू पुट कर दो ए टेन बी थर्टी, ओके टेन प्लस थर्टी अपॉन टू, अब रिजल्ट यूज किया टेन आ गया थर्टी प्लस टेन प्लस थर्टी इट इज फोर्टी अपॉन टू आ गया, कटिंग कर लो ट्वेंटी आ गया, मल्टीप्लाई कर लो 200, ठीक है, सो दिस इज द सम ऑफ द, अच्छा टेन है ना, टेन अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स टेन एंड थर्टी इज दैट इज 200, ठीक है, 200 ऑप्शन ही देखो बी ऑप्शन टिक कर लो बी ऑप्शन राइट 200, क्लियर है। इलेवन पार्ट इज द स्लोप ऑफ द लाइन दैट मेक्स एन एंगल फाइव बाय सिक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज, देखो किसी भी लाइन के पास स्लोप पता करनी हो तो की करते अपना, देखो जो सानू एंगल पता हो मान लो ये लाइन है साढ़े को दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज नैगेटिव डायरेक्शन, तो आप एंगल कड़ा देखना ये वाला एंगल मेड बाय लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज थीटा देन स्लोप मतलब स्लोप मतलब एम इज टेन थीटा, ठीक है राइट, हम देखो साढ़े को की है कि जी लाइन हैगी है इट मेक्स एंगल फाइव बाय सिक्स विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दिस मीन ये लाइन होगी साढ़े को एंगल इज फाइव बाय सिक्स गिवन है, एंगल इज फाइव बाय सिक्स, ओके सो दिस इज एंगल दिस इज थीटा एंड स्लोप विल बी फॉर्मूला साढ़े की देखो एम इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, एम इक्वल टू टेन ऑफ एंगल इज गिवन फाइव बाय सिक्स इट इज इन रेडियन डिग्री कितना बनूंगा देखो ये इट इज 180/6 कर लो कि गया डिग्री बने 30 डिग्री, ठीक है टेन थर्टी इज 1/√3, ठीक है सो स्लोप ऑफ द लाइन इज एम इक्वल टू 1/√3, ठीक है आंसर इज सी ऑप्शन टिक कर लो दिस इज स्लोप ऑफ द लाइन
राइट, क्लियर है? ट्वेल्थ पार्ट इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस ऑफ पैराबोला. देखो सानू पता है कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन वाई, इट इज एक्स स्क्वायर मीन और माइनस में ना लेगा डाउनवर्ड पैराबोला, दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला. ठीक है, डाउनवर्ड पैराबोला साढ़े को बन गया है. तो ये देखो साढ़े को है कि यदि क्वेश्चन की होंगी है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस फोर ए वाई स्टैंडर्ड फॉर्म एंड व्हाट गिवन क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस नाइन वाई. ठीक है, तो साढ़े को देखो ए प्लस ए प्लस करते हैं, दिस इज माइनस नाइन वाई, कंपेयर करो. देखो एक्स के सामने एक्स केयर आ गया, वाई सामने वाई आ गया. ठीक है, तो माइनस सामने माइनस आ गया, जैसे कर लो माइनस फोर ए कितना आ गया माइनस नाइन. ठीक है, कंपेयर कर लिया अपना, राइट ए कितना आ गया माइनस माइनस कैंसिल हो गया, नाइन बाई फोर आ गया. ठीक है, हूँ इसके देखो डाउनवर्ड पैराबोला हो गया था, फोकस करना था साढ़े को पता है जीरो टू जीरो माइनस ए, जीरो माइनस ए दिस इज फोकस, जीरो माइनस ए. ठीक है, हमें पता है कि दिस इज जीरो जीरो एंड दिस इज डायरेक्ट्रिक्स. ठीक है, ये ना साढ़े को वाई इक्वल टू ए. ठीक है, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस कितना साढ़े को सेम होंगे. ठीक है, सानू पर ही देखना कि हाँ भी यहाँ फोकस की है साढ़े को, दैट इज जीरो माइनस ए. ठीक है, राइट, आप करना हूँ. देखो आप ए वैल्यू पुट करना नहीं पा, वैल्यू ए इज, वैल्यू ए इज 904. ठीक है, दिस इज फोकस, क्लियर है? जीरो माइनस नाइन बाई फोर, ऑप्शन बी टिक कर लो, जीरो कमा माइनस नाइन बाई फोर, राइट, क्लियर है? थर्ड पार्ट इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स एट एक्स इक्वल टू फाइव इज वेरी इजी क्वेश्चन. द फंक्शन इज गिवन 5x, ठीक है, एंड इस डेरिवेटिव अपॉइन करनी है एफ डे एक्स. देखो x का डेरिवेटिव कितना हुआ 1, कितना हुआ डेरिवेटिव x इज 1, 5 इज कॉन्स्टेंट, राइट. सो एफ डे एक्स कितना देखो आ गया 5 इंटू 1 इज 5 आ गया. उन्होंने क्या कि डेरिवेटिव पता करो व्हेन x इक्वल टू 5. देखो x की वैल्यू 5 पढ़ लो, जितने एक्स है तो 5 पढ़ लो, 5 पढ़ता पा. ठीक है, जितने एक्स है, लेकिन देखो साढ़े को जो आंसर है उस 5 है, उस एक्स है ही नहीं, मतलब इधर पुट नहीं होना एक्स, मतलब एक्स जो मर्जी हो, देखो एक्स की वैल्यू जो मर्जी हो, यहाँ आंसर 5 ही रहना वा. ठीक है, सो दिस इज ऑलवेज 5, चाहे एक्स जो मर्जी हो, चाहे एक्स 5 हो, 10 हो, 1 हो, 2 हो, जो मर्जी एक्स हो, आंसर इज ऑलवेज 5. ठीक है, ऑप्शन सी टिक कर लो, 5, क्लियर है? 14 पार्ट इज इफ द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ गिवन डाटा इज 10, देन इट्स वेरियंस इज, वेरी इजी क्वेश्चन. देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अपना डिनोट करते हैं सिग्मा ना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा ना, दैट इज 10. ठीक है, एंड वेरियंस इज सिग्मा स्क्वायर, मीन्स अगर आप देखो वेरियंस पता करना वा, वेरियंस स्केयरिंग कर लो. ठीक है, सिग्मा स्क्वायर,
सिग्मा स्क्वायर मीन्स टेन स्क्वायर कर लिया अपना स्केयरिंग कर लिया फिर वीनस ना सारे को सिग्मा स्क्वायर कितना दिखाया इट इज 100 सिग्मा स्क्वायर इज 100 दिस मीन वेरिएंस इज 100 वेरिएंस इज सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस इज 100 ठीक है आंसर इज 100 ये ऑप्शन टिक कर लो दैट इज 100 ठीक है वेरी इजी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन इज ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन टेल अकर इज देखो पहले तो करते हैं पता कि अगर कॉइन अगर 4 टाइम टॉस किया तो टोटल आउटकम्स कितने दिखाएंगे नोट करो कॉइन ऊपर टॉस करते हैं एक बारी टोटल आउटकम मान के हेड टेल 2 ठीक है राइट हेड या टेल कॉइन टॉस करेंगे 2 बारी 2 × 2 n1 सीखा थे n 2 हो गया फॉर्मूला हेड है ना 2 पावर n ठीक है 2 पावर n एक बड़ी टॉस के साथ n1 है ना दो बड़ी टॉस के साथ n2 है ना ठीक है एक वन टॉस करेंगे अपन मतलब इस केस नहीं बनेगा देखो हेड हेड बनूंगा या हेड टेल टेल हेड फिर टेल टेल ठीक है आई केस बनूंगा देखो ठीक है निकाल करिए तीन बारी पर कॉइन टॉस के साथ 2 × 2 × 2 8 केस बने ठीक है इतने एन सी साढ़े को 3 जो आप 4 टाइम टॉस करेंगे ये बने ने साढ़े को 16 केस ठीक है टोटल आउटकम इज 16 इन दिस क्वेश्चन राइट क्योंकि आप 4 टाइम टॉस किया वा देखो ने मंगया एटलीस्ट 1 टेल अकर देखो जो भी एटलीस्ट माना है ना हमेशा ना ये उल्ट परा कर लो देखो करना बाकी है एटलीस्ट 1 टेल तो उल्ट किया देखो एटलीस्ट 1 टेल पता कितना वा एक चाहिए तो ज़्यादा टेल या एक टेल ठीक है एक टेल राइट एटलीस्ट 1 निकल कर रहे एक टेल एक तो एक तो एक या एक तो ज़्यादा इतने 3 हेड्स ठीक है या फिर आता है 2 टेल 2 हेड्स यही बनूंगा 3 टेल 1 हेड या फिर 4 टेल ओके ये तो साढ़े देखो एटलीस्ट 1 मतलब घट्टो घट एक टेल भी आ सकती है 2 टेल भी आ सकती हैं 3 टेल भी आ सकती हैं या फिर 4 टेल ठीक है इनू करना बहुत मुश्किल है मतलब ये केसेस बने मैंने सू ठीक है आप की करेंगे आप केस नहीं बनाएंगे आप करना कि यहाँ उल्ट कर लो उल्ट की बने देखो एटलीस्ट 1 टेल मतलब ना घट्टो घट एक या एक तो ज़्यादा टेल यहाँ उल्ट बनूंगा 9 टेल की बनूंगा 9 टेल ठीक है राइट ये असी जो ने पूछा और उल्ट कर रहे हैं 9 टेल मतलब एरा उल्टा है राइट तो जो उल्ट कर रहे सूँ की करना पैना जो मंगे और उल्ट कर रहे तो 1 माइनस करना पैना सूँ ठीक है 1 चो माइनस करना पैना ठीक है 9 टेल मतलब पता क्या हुआ चारों बारी की आ गया हेड 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 मतलब टेल आनी नहीं तो चारों हेड साढ़े को देखो 16 केस बचों टोटल केस बने साढ़े को 16 आउटकम्स 16 केस बचों साढ़े को इको केस इदा होगा जिस चारों भी हेड आएगा ठीक है मीनस ये बन गया एक 1/1 मीनस ये प्रॉपर्टी के चारों भी हेड आ गया ठीक है अपॉन कितना गया टोटल केस आउटकम इज 16 ठीक है एलसीएम इज 16 इन मतलब ही ना कितना आया 16 आ गया एलसीएम 16 आ गया ना
तो इन मतलब बने खा गया ठीक है ये बन गया आ 16 बना देखो ठीक है 15 बड़ा किना गया 16 ये साथ आंसर आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन टेल कितना बड़ा कितना और उल्ट कर लिया अपना नो टेल फिर उन्होंने वन में माइनस कर लिया ठीक है ये मैथड ईजी रहता वा आंसर इज 15/16 ठीक है ऑप्शन देखो कड़ी है ऑप्शन 15/16 टिक कर लो इन ठीक है 15/16 राइट क्वेश्चन नंबर सेकंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट पार्ट इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी इज देखो बेटा एक गल नोट करो कि इफ ए इज सबसेट ऑफ बी मीन्स ए दे सारे एलिमेंट किच है बीच उस टाइम साढ़े कोल मीन्स आप कह सकते कि ए की है साढ़े कोल समोलर सैट दैन बी एंड बी इज बिगर सैट दैन ए इस केस पता क्या हुआ साढ़े कोल जरा ए यूनियन बी आऊगा साढ़े कोल बिगर सैट वट बिगर सैट इज बी तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा साढ़े कोल समोलर सैट ठीक है सीधे आंसर दे देना दैट इज ए ठीक है तो साढ़े कोल की है क्वेश्चन ए इंटरसेक्शन बी मीन्स समोलर सैट आंसर इज ए ठीक है क्लियर है असी कुछ सोल्व नहीं करना सीधे आंसर दे देना आप कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए जरा इंटरसेक्शन बी है वो ही होगा समोलर सैट ए आऊगा ठीक है वैसे अपन वेरीफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वैन डायग्राम इदा करो ए सैट बना लो एक बना लो बी सैट हूँ ए दे सारे एलीमेंट की है ए बी का सबसेट है ए दे सारे एलीमेंट की है बी चाह रहे हैं ठीक है इदा करो ए नू शेड कर लो पहला दिस इज ए असीं पता कर रहे हैं ए ते बी दा इंटरसैक्शन बी नू शेड कर लो ठीक है देखो ये डब्बे बन रहे हैं ना जिथे लाइनें कट कर दी गई लाइन इंटरसैक्ट कर रही हैं दैट इज इंटरसैक्शन ऑफ ए एंड बी वो सानू क्लीयर करना नज़र आ रहा है कि इन रीजन बिच की हो रहा है रीजन है जो आ रीजन है इन रीजन दिस इज द इंटरसैक्शन पार्ट ओके दिस इज द इंटरसैक्शन पार्ट ऑफ ए एंड बी ठीक है तो ए सैट पता कड़ा वा नोट करो जो इंटरसैक्शन कर रहे हैं अपना ए सैट कड़ा वैगा दिस इज ए सैट दिस इज ए सैट इहदा मतलब ए ते बी दा इंटरसैक्शन किन्ना होगा ए सैट होगा ठीक है इफ ए इज सबसैट ऑफ बी क्लीयर है वैसे आपां इत्थे ए लिखिया होया राइट दिस मीन आंसर इज ए क्लीयर है सेकंड पार्ट इज फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5 देन एफ 7 वेरी वेरी इजी क्वेश्चन देखो आप करना की है कि साढ़े फंक्शन की गिवन है 2x माइनस 5 असी पता करना वा एफ 7 करना की बस जिथे x है देखो जिथे x उत्थे की आ गया साढ़े कोल 7 आ गया राइट तो x उत्थे की ना 7 आ गया मीन जिथे x है
उसे सेवन पा दो बस, जिसे एक्स कितना आया सेवन पा दो, मल्टीप्लाई कर लो 14 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज 9, वेरी इजी क्वेश्चन ठीक है। जिसे एक्स कितना सेवन पा था वैल्यू फंक्शन मुझे पता करनी है एक्स सेवन, आंसर इज 9 ठीक है। इसे 9 पढ़ लो, आंसर इज 9, क्लियर है। थर्ड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्रीज, साइन 120 डिग्री। देखो बेटा इस क्वेश्चन पर कर सकते हैं दो मैथड कर सकते, एक सिंपल इदा कर लो साइन इन ब्रेक कर लो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री राइट, इदा कर लो इनू साइन 180 डिग्री माइनस 60 सेम ही है ठीक है। हम नोट करो साढ़े को अगर क्वाड्रेंट की गल करिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ठीक है थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो ये होगा 90 राइट, जैसे 90 डिग्री तो ये बन गया साढ़े को 120 डिग्री ठीक है। मीनस बोले 90 जितना 90 प्लस 30 टोटल बन गया साढ़े को 120 डिग्री राइट, क्लियर है। नोट करो गल की 90 की साढ़े को 90 इंटू 190 बन गया ना, दिस इज द ओड मल्टीपल ऑफ 90, जो ओड मल्टीपल आता साढ़ा ये बने ना कोस साइन तक बने ना कोस ठीक है 30 डिग्री राइट, मतलब कोस 30 डिग्री वाली पता करनी अपना कोस 30 डिग्री राइट, तो एक क्वाड्रेंट चा सैकेंड क्वाड्रेंट एड शुगर कॉफी अते ऑल पॉजिटिव, सैकेंड क्वाड्रेंट चा साइन ते कोसेकन पॉजिटिव, थर्ड च टैन ते कोट पॉजिटिव, कोस ते सेकेंड पॉजिटिव। आप देखना साइन नू इन पर चेंज कर रहे हैं, साइन की देखोगे साढ़े को साइन इज प्रेजेंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन इसे प्रेजेंट है, साइन इज प्रेजेंट सो दिस साइन इज पॉजिटिव, सो इतने प्लस लावे अपना जो भी चेंज किया कोज भी जो आप चेंज किया कोज नहीं देखना अपना जिन्हों चेंज कर रहे हैं उन्होंने देखना बस साइन चेंज कर रहे हैं, साइन का अपना साइन देखना वा कि क्वाड्रेंट पॉजिटिव या नैगेटिव है ठीक है। साइन इन सैकेंड क्वाड्रेंट इज पॉजिटिव इतने प्लस आ गया राइट, कोस 30 इज इट इज रूट 3/2 राइट। एक मैथड हो गया साढ़े को एक, दूसरा मैथड की साढ़े को साइन 180 माइनस 60 120 बनिया साढ़े को लिखो 90 इंटू 2 माइनस 60 गल एक ही है, दिस इज 180 डिग्री ठीक है। 90 का ईवन मल्टीपल मतलब दिस इज ईवन मल्टीपल, साइन साइन रहेगा साढ़े को साइन 60 आ गया ठीक है। देखो 180 माइनस 60 180 जो 60 माने करो दिस इज 120 मतलब फिर भी साढ़े को आया 120 दिस इज 120 ठीक है, दिस इज 120 डिग्री राइट। आना कितने सैकेंड क्वाड्रेंट ही आना 180 माइनस 60 इट इज 120 ठीक है, सैकेंड क्वाड्रेंट जो साइन की ना साढ़े को पॉजिटिव इतने पॉजिटिव आ गया एंड साइन 60 इज रूट 3/2 ठीक है, आंसर इज सेम, चाहे इदा क्वेश्चन करो तभी आंसर कितना रूट 3/2 आएगा, चाहे इस तरह क्वेश्चन करो 180 माइनस 60 तभी आंसर कितना आया रूट 3/2 ही आएगा ठीक है, आंसर इज रूट 3/2 क्लियर है। आंसर इज
root 3 by 2, right? Clear hai? Now fourth part is the eccentricity for an ellipse is always, sanu pata hai ki in case of parabola eccentricity is always 1, in case of ellipse eccentricity is always less than 1, and in case of hyperbola eccentricity is greater than 1. And eccentricity is the ratio of the distance from the fixed point to the fixed line. ठीक है, सानू पता वा जैसे एक्स वाई पॉइंट है इज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट दैट इज पी एफ रेशियो ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट जैसे एक्स वाई ना टू द डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन ठीक है डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट है एंड डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स लाइन है राइट दिस इज सेंट्रिसिटी क्लियर है एंड इन्हें पा कहने फिक्स पॉइंट कहने फोकस और फिक्स लाइन इज नोन एज डायरेक्ट्रिक्स राइट तो इन केस ऑफ लिप्स एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 क्लियर है एसेंट्रिसिटी इज ऑलवेज लेस देन 1 ऑप्शन देखो वन क्लियर है पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इज टू एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स देखो नोट करो साढ़े को फॉर्मूले होंगे हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स पावर एन मेरी फर्स्ट फॉर्मूला एन एक्स टी एन माइनस वन आप एक नीचे आती है ऊपर एक पावर घट जाती है एंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज वन ठीक है राइट ये फॉर्मूला इतों ही बनया एक्स पावर एन तो ठीक है नहीं तो कर दे पाओ इन मन ने वाई नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे ठीक है दोनों पैसे लगाता अपना डेरिवेटिव ये वाई का डेरिवेटिव हो गया तो वाई आना साढ़े कोल इधर आगे साढ़े कोल ठीक है टू एक्स के प्लस फोर एक्स आप करना की देखो इधर होगा डी वाई डी एक्स इस टू पहले बाहर कर लो टू बाहर आ गया डी ओ डी एक्स ऑफ एक्स पावर टू इधर लिख सकते पैन ठीक है इधर डेरिवेटिव फिर फोर फोर बार कर लो डेरिवेटिव ऑफ एक्स राइट टू जो फॉर्मूला अकॉर्डिंग पर क्या होगा एक्स पावर एन एन नीचे एन का पावर एक घट जानी है एन इज टू टू नीचे आना ऊपर एक पावर जिनी पावर होगी घट जानी ठीक है टू माइनस वन एक घटा लानी अपना लगे फॉर्मूला तो एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा डेरिवेटिव एक्स इज वन ठीक है इट इज वन राइट बस आ गया साढ़ा आंसर डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू डी वाई अपॉन डी एक्स इजिकल टू एक ना टू टू फोर हो गया तो पावर कितनी देखो यानी जी दिस इज वन फोर इंटू वन इज फोर
ये आंसर आ गया बस, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फोर एक्स, वन बार फोर एक्स ही है ना, और वन मतलब फोर एक्स आ गया सिंपल प्लस फोर, ठीक है, दिस इज आंसर, फोर एक्स प्लस फोर, आंसर इज फोर एक्स प्लस फोर, राइट, दिस आंसर, ओके क्लियर है, फोर एक्स प्लस फोर. Now this is sixth part. 1 plus uta cube plus uta power 6, uta power 9. ये नोट करो साढ़े को की है कि जरा यूटा स्केयर हों वा यूटा इज चलो यूटा स्केयर लिख रहे अपना माइनस वन एंड यूटा इज रूट माइनस वन, ठीक है, सन पता वा यूटा क्यूब इज माइनस यूटा, यूटा फोर इज वन, देखो जरा भी जी पावर फोर तो ज़्यादा आएगी उन्होंने ब्रेक करेंगे, ठीक है, यूटा क्यूब इधर आप सीधी वेल पुट करेंगे, सिक्स है ना यूटा वा सिक्स इन्होंने ब्रेक करेंगे कि देखो नोट करो सिक्स न फोर डिवाइड करेंगे, हमेशा फोर डिवाइड करना जरा जी पावर फोर तो ज़्यादा होगी उन्होंने फोन डिवाइड करेंगे अपना फोर वन फोर मीटर इज टू मेरा मतलब इन लिख सकते हैं वी कैन राइट यूटा पावर सिक्स यूटा पावर फोर लिख के मेरी पावर इतने आनी देखो पावर आनी इतने वन ठीक है राइट जोड़ा टू हैगा वो आना साढ़े को लिखो नोट करो स्केयर टू कितने देखो इतने आना साढ़े को ठीक है स्केयर हूँ नोट करो साढ़े को इनू सोल्व करा देखो कि बनूगा यूटा पावर फोर तो टू कि सिक्स ही बनना वा राइट क्लीयर है ये हो गया साढ़े को यूटा पावर सिक्स में ब्रेक करता सेम आप ब्रेक करा यूटा पावर नाइन नाइन फोर ना भाग करा फोर टू का एट हो गया रिमाइंडर इज वन ये बन गया यूटा पावर फोर लिख के ते जरा टू इतने आना टू ओके तो जरा वन है ये बन जाना पावर राइट क्लियर है हम देखो अपना लिखा यूटा फोर लिख के जरा टू है ये बन जाना पावर पावर बन जानी तो जरा वन है वह बन जाना यूटा पावर वन ठीक है तो इनू इधर रहने कोई गल नहीं ठीक है वन ना भी लिखो कोई गल नहीं जिदा वन आया तो ना भी लिखो कोई गल नहीं इतने वन आया साढ़े को ठीक है इन ना भी लिखो कोई गल नहीं ठीक है असं इन ब्रेक कर लिया क्लीयर है ब्रेक करने बारे को की करना आप हूँ वैल्यू बनी आपूटा क्यूब इज माइनस योटा बना गया माइनस योटा देखो योटा फोर मीनस वन योटा फोर इज वन योटा स्केयर इज दिस योटा स्केयर दिस इज माइनस वन ठीक है योटा स्केयर इज माइनस वन क्लियर है योटा फोर इज वन पावर इज टू एंड देखो कला योटा ये वैल्यू नहीं बननी देखो कला जो योटा है उन्होंने योटा ही रहना है ठीक है आ वैल्यू नहीं बननी कितने भी आप करने अपना कला योटा तो उन्हें योटा ही रहना वा ठीक है वैल्यू भरती सारी अपना जी वैल्यू लिखी साइड अपना तीन वैल्यूज योटा स्क्यूर योटा क्यूब योटा फोर वन प्लस माइनस माइनस योटा प्लस माइनस माइनस वन तो वन स्केयर मतलब वन ही आ गया वन इंटू योटा इज योटा ठीक है कटिंग हो रही है वन योटा प्लस योटा कट गया प्लस वन माइनस वन योटा कट गया कितना सारा जीरो आंसर आ गया या जीरो लिख लो या जीरो प्लस योटा लिख लो जीरो प्लस जीरो योटा कल एक ही है ठीक है देखो आंसर कितना लिखा उन्होंने आंसर इज जीरो लिखा उन्होंने सिंपल ठीक है आंसर इज जीरो
ओके आंसर इज जीरो. क्लियर है राइट. नाउ सेवन पार्ट इज स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन. देखो इतने एक्स से वाई दी बराबर कितनी है, वन है. सो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ लाइन. क्वेश्चन लाइन इज 2x प्लस 3y प्लस 4 इक्वल टू जीरो. देखो पास स्लोप करनी है कोई भी लाइन ऐसे परपेंडिकुलर है, ठीक है. ये पास स्लोप पता करनी है, इन्हें मान लो m2, ठीक है. ये पास स्लोप पता करनी है तो ये स्लोप मान लो m1. हूँ एक गल क्लियर है कि दोवें लाइन आपस की ने परपेंडिकुलर, मीन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी इक्वल टू माइनस वन. ये क्लीयर है. और देखो साढ़े को है कि वट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द स्लोप इफ द क्वेश्चन लाइन इज गिवन. देखो साढ़े को क्वेश्चन लाइन दिखती हो सू, ठीक है. इन दिस फॉर्म दैन स्लोप विल बी माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर ऑप्शन ऑफ वाई, ठीक है. कोएफिशिएंट एक्स इज ए मैंने ए अपॉन कोएफिशिएंट वाई इज बी. दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है. माइनस कोएफिशिएंट एक्स ओवर कोएफिशिएंट ऑफ वाई. एडी देखो अगर आप एम वन पता करना वा, अगर आप एम वन पता करना, देखो नोट करो फॉर्मूला इज माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ऑप्शन ऑफ वाई, ठीक है. ऑप्शन ऑफ वाई एम वन राइट. ऑप्शन एक्स इज नॉट करो टू वाई एंड ऑप्शन वाई इज दिस इज थ्री. सो एम वन कितना आ गया माइनस टू बाय थ्री आ गया. कितना आ गया माइनस टू बाय थ्री. दिस मीन एम वन इज माइनस टू बाय थ्री, ठीक है. हूँ देखो कोई भी लाइन है जो इस लाइन पर परपेंडिकुलर है और इस स्लोप आप सीधे ही पता कर सकते हैं किस तरह भला. इन उल्टा कर लो थ्री बाय टू मतलब उल्टा माइनस थ्री बाय टू आ गया. माइनस टू बाय थ्री उल्टा माइनस थ्री बाय टू हो गया तो एक माइनस हाफ ला लो मतलब प्लस थ्री बाय टू बन गया. कितना बन गया प्लस थ्री बाय टू, ठीक है. यह सीधा मैथड हैगा लेकिन आप अगर इन प्रोपर वे ना करेंगे और किस तरह करेंगे. देखो टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर दैन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप विल बी माइनस वन. एम वन इज माइनस टू बाय थ्री फिल कर दो, ठीक है. एम टू पता करना ले, ठीक है. माइनस वन एम टू विल बी इक्वल टू माइनस वन. इन इधर आया ना इधर के बन जाना ने माइनस थ्री बाय टू उल्टा हो गया, ठीक है. तो कटिंग कर लो एम टू बिल भी कटू माइनस माइनस कट गया कि ना आया थ्री बाय टू आ गया, ठीक है. थ्री बाय टू आ गया. सो सो स्लोप द लाइन विच इज परपेंडिकुलर दिस लाइन विल बी इक्वल टू थ्री बाय टू राइट. आंसर इज थ्री बाय टू. चेक करते हैं आंसर दिता कि नहीं उन्होंने. दिस इज थ्री बाय टू, ठीक है. आंसर इज थ्री बाय टू. क्लियर है. एट पार्ट इज द वैल्यू ऑफ सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल. देखो जो फैक्टोरियल है आप आ फैक्टोरियल साइन है साढ़े को आप इदा भी लिख सकते हैं सिक्स फैक्टोरियल ओवर टू फैक्टोरियल, ठीक है. देखो इन एक्सपेंड करेंगे जोड़ा मतलब वीड्डी वैल्यू है उन्होंने एक्सपेंड करना आप सिक्स ना एक्सपेंड करेंगे टू तक, ठीक है. मीन देखो एक कटाई हो सिक्स एक कटाया फाइव आ गया एक कटाया फोर आ गया फिर थ्री आ गया फिर अगर लिख दो टू फैक्टोरियल अगे एक्सपेंड नहीं किया, ठीक है. क्या आ गया थे अप टू टू फैक्टोरियल, ठीक है.
और अगर पैक्स इन्होंने एक्सपैंड नहीं किया एंड इन डिनोमीनेटर देर इज 2 फैक्टोरियल ठीक है जो डिनोमीनेटर की वैल्यू होंगी उस फैक्टोरियल तक उन्होंने एक्सपैंड कर लो ठीक है इन्हें की साढ़े को कट जाना कट गया साढ़े बच गया 6543 बच गया ठीक है 6543 बस इन मल्टीप्लाई कर लो आंसर आ गया 30 × 4 = 120 × 3 = 360 कितना गया 360 ओके आंसर इज 360 चेक करो आंसर इज 360 दिस वन राइट क्लियर है सो दिस इज एंड ऑफ द फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन थर्ड इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स राइट फर्स्ट इज फर्स्ट पार्ट इफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो एंड वैल्यू ऑफ एक्स इज वन चेक कर दे बेटा अपना वैसे ही रोंग हैगा दिस इज फॉल्स रीजन इज देखो एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल जीरो इट इज गिवन राइट हूँ जो एक्स स्क्वायर है इधर रहना इधर इन इधर ही रहना वा तो वन इधर भेज दें आप कि माइनस वन आ गया ठीक है जो स्केयर है यद बन जाना इधर आ गया रूट नाल क्या आएगा प्लस माइनस देखो रूट ऑफ माइनस वन इज सू पता कि रूट ऑफ माइनस वन इज आयोटा रूट ऑफ माइनस वन इज आयोटा ठीक है इस वैल्यू इज आयोटा ठीक है साढ़ा आंसर क्या आया एक्स इक्वल टू प्लस माइनस एटा ठीक है लेकिन उन्होंने आंसर की लिखा आया वन दिस इज फॉल्स क्लियर है सेकेंड पार्ट इज द वैल्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल देखो दिस इज फॉल्स बिकॉज ऑर्डिनरी प्लस इज नॉट पॉसिबल इन फैक्टोरियल इन ऊपर प्रूव भी कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 फैक्टोरियल मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ठीक है ये बन गया 12 24 ये बन गया 20 60 120 ठीक है 1 प्लस कर लो कितना आया 144 राइट हम गल करेंगे राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड इज नाइन फैक्टोरियल राइट नाइन फैक्टोरियल मीन्स 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है दोबारा लिखने पाए थे 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 ठीक है हम मल्टीप्लाई करो देखो 2 6 24 5 120 एंड दिस इज 720 ठीक है इन मल्टीप्लाई किया 720 आ गया 72 × 7 = 504 आ गया कितना आ गया 504 राइट 504 ते 720 मल्टीप्लाई करते हैं अपना 72 ना मल्टीप्लाई कर लेने पहले ठीक है 0 बाजू ला देंगे अपना 8 0 10 28
35, 8, 8, 2, 6, 3. अगर 3, 6, 2, 8, 8 नाला जीरो लाने अपन, ठीक है, ठीक है, 3, 6, 2, 8, 8, 0 जो क्लियर नज़र आ जाएगी, दिस इज़ 144 एंड दिस इज़ 3, 6, 2, 8, 8, 0. सो दिस मीन्स वी कैन से डैट फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 इज़ नॉट इक्वल टू फैक्टोरियल 9. ऑर्डिनरी प्लस इज नॉट पॉसिबल इन फैक्टोरियल. दिस इज़ फॉल्स. मैं फॉल्स लिखा पहले ही, ठीक है, क्लियर है. थर्ड पार्ट इज द सीक्वेंस 1, 1/2, 1/4 अप टू एन टर्म्स इट इज जीपी सीरीज. देखो इन जीपी द रेशियो ऑफ द कंजक्टिव टर्म्स इज सेम. मीन्स सेकेंड टर्म डिवाइड बाई फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाई सेकेंड टर्म. ठीक है, इन ए वन मान लो, दिस ए टू, दिस इज ए थ्री. चेक करते हैं, पी सेकेंड टर्म डिवाइड करेंगे फर्स्ट टर्म नाल. मीन्स सेकेंड टर्म इज 1/2, फर्स्ट टर्म इज 1. डिवाइड करता पा कितना आया, 1/2 आ गया. ठीक है, फिर आप डिवाइड करेंगे थर्ड टर्म नू सेकेंड टर्म नाल. थर्ड टर्म इज 1/4 डिवाइड बाय सेकेंड टर्म. ठीक है, ए थ्री बाई ए टू, सेकेंड टर्म इज 1/2. ठीक है, इदा करते हैं, इन्हें ऊपर चल जाना, साढ़े को ऊपर जाके इन्हें उल्टी आना. देखो 2/1, 1, 2. ठीक है, कितना आंसर आया, 1/2 आ गया. इदा मतलब साढ़े को की आया कि सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म. देखो तुम्हारा आंसर से 1/2 है ना. सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म. आंसर इज 1/2, थर्ड टर्म डिवाइड बाय सेकेंड टर्म. रेशियो इज सेम, देयरफॉर ये साड़ी भी है, दिस इज जीपी सीरीज. गिवन सीक्वेंस इज ए जीपी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन. सो दिस इज, उन्हें भी जीपी गया है, इट इज जीपी सीरीज, इसलिए ये ट्रू है. दिस इज ट्रू, राइट, क्लियर है. नाउ फोर्थ पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज साइन टू एक्स. देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, कहा चेक करते कितना डेरिवेटिव यही है. नोट करो कि अगर वाई साढ़े कोई फंक्शन है, फंक्शन पावर एन है, जे आप डेरिवेटिव करना वा लगावे आप चेन रूल. किस तरह, देखो एन नीचे आ जाएगा, पहले करा आप ब्रैकेट का डेरिवेटिव. एन नीचे आ जाएगा, उपर एक पावर एन हैगी है, वो एक घट जानी है, घट के एक दोबारा आप करेंगे जो ब्रैकेट के अंदर है फंक्शन. तो इस फंक्शन डेरिवेटिव सानू पता वा, ठीक है, चेन रूल करने पैनू. मैं चेन रूल देखो साढ़े गिवन क्वेश्चन है, मतलब इस अपना फॉर्मूले भी यूज़ करने, दो फॉर्मूले पर यूज़ करने, पहला फॉर्मूला वाला कि एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला मेरी फर्स्ट फॉर्मूला, एंड नीचे एन ऊपर एक पावर कट जाती है. दूसरा फॉर्मूला साइन एक्स डेरिवेटिव इज कोज एक्स. ठीक है, ये थोड़ा हो गया ना, मतलब कि अगर दो फंक्शन डे जहाँ आप कह सकते कॉम्पोजिट फंक्शन कह सकते अपना, राइट, दो फंक्शन है ना, इस जो साढ़े को मान लो कि वाई है, साइन एक्स का स्केयर है. ठीक है, ये ब्रैकेट साढ़े को पहले आप ब्रैकेट डेरिवेटिव करा, फिर आप करा अपना ब्रैकेट जो अंदर है. ठीक है, मतलब पहला फॉर्मूला आप अप्लाई करना, फॉर्मूला इज टू नीचे है ना, राइट, जो देखो साढ़े को है कि एन नीचे आ गया, पर एक पावर कट गई, ये फंक्शन हो गया. ठीक है, या इनू कह सकते भी कह सकते अपना
ये नीचे आना, ऊपर एक पावर कट गई, ठीक है, ऊपर एक पावर कट जानी है, टू नीचे आ गया ना, टू माइनस वन जेता होंगे ना इतने एक्स, फिर तो अपने द्वारा डायरेटिव नहीं करना सीखा। देखिए इतने एक्स के अलावा कोई होर साडे फंक्शन है साइन एक्स, वो आप करेंगे द्वारा डायरेटिव, साइन एक्स का डायरेटिव द्वारा करेंगे अपना आप चेन रूल, ठीक है, अगेन डायरेटिव ऑफ फंक्शन, अगेन डायरेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर है वा, राइट, वेरी इजी। ये देखो इन्हें आप कुछ नहीं करना, ये डायरेटिव हो चुका वा, टू साइन एक्स पूरे माइनस कर लो कितना आया, टू माइनस वन इज वन, द्वारा आप करेंगे साइन एक्स डायरेटिव दैट इज कोज एक्स, ठीक है, दिस फॉर्मूला डायरेटिव साइन एक्स इज कोज एक्स, क्लियर है। नेक्स्ट आंसर आ गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स इंटू कोज एक्स, बट आंसर इज, आंसर चेक कर दे अपन, आंसर इज साइन टू एक्स। देखो नोट करो कि साढ़े को जरा टू साइन एक्स कोज एक्स है, आप कह सकते कि टू साइन एक्स कोज एक्स फॉर्मूला पता कि वा, इट इज साइन टू एक्स, ओके, तो वी कैन राइट दिस टू साइन एक्स कोज एक्स एज दिस बिकम अकॉर्डिंग फॉर्मूला दिस बिकम साइन टू एक्स, साइन टू एक्स, ठीक है, दिस इज आंसर, बिल्कुल सेम आंसर आ गया, देखो दिस इज साइन टू एक्स, सो दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, सेम आंसर आ गया ना, ठीक है, साइन टू एक्स, क्लियर है। फिफ्थ पार्ट इज डेरिवेटिव ऑफ फोर एक्स माइनस साइन ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज फोर माइनस कोज ए। देखो यार वाई मान लो जब सिंपल पर डेरिवेटिव पता कर लेने पे, ठीक है, डी ओ डी एक्स ऑफ करना बाकी है, डी ओ डी एक्स ऑफ फोर एक्स माइनस साइन ए, ठीक है, आप पहला डेरिवेटिव पता करना, नोट करो साढ़े को आप डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मीन द ओनली वेरिएबल इज एक्स, ओनली वेरिएबल इज एक्स, बाकी की नहीं कॉन्सटेंट, देखो फोर भी कॉन्सटेंट है तो ए भी कॉन्सटेंट है, ठीक है, एक्स के अलावा जो भी है कॉन्सटेंट है, ठीक है, राइट, तो सानू पता है कि डायरेवेटिव ऑफ एक्स इज वन एंड डायरेवेटिव ऑफ कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट इज जीरो, ठीक है, ठीक है, कॉन्सटेंट आ गया ना साढ़े को डायरेवेटिव जीरो होगा, एक गल नोट कर लो बस, हम एक नोट करो कि आप डायरेवेटिव करेंगे पहले आप मतलब फोर बार कर लेंगे अपना डी ओ डी एक्स ऑफ करेंगे अपना एक्स का डायरेवेटिव, ठीक है, पहला करेंगे फोर बार आ गया ना फोर ही कॉन्सटेंट, देखो इस ना एक्स नहीं है, ठीक है, मतलब ए कॉन्सटेंट है जी, इतने ए कॉन्सटेंट है मतलब साइन ए कॉन्सटेंट हो गया, ठीक है, इस एक्स है ही नहीं साढ़े को डी ओ डी एक्स ऑफ एक तरह आप कर रहे हैं, जो बाहर कट भी लो तो अंदर वन आएगा फन भी कॉन्सटेंट ही है तो इतनी रहने कोई गल नहीं साइन ए, ठीक है, जैसे कॉन्सटेंट, राइट, नोट करो कि साढ़े को एक्स है वा वो डेरिवेटिव कितना देखो नोट करो डेरिवेटिव एक्स इज वन, ठीक है, इतने आ गया वन, हूँ ये साढ़े कॉन्सटेंट है दिस इज कॉन्सटेंट, कॉन्सटेंट डेरिवेटिव इज जीरो, राइट, मुझे एक्स है ही नहीं साढ़े को दिस इज जीरो, आंसर इज फोर इंटू वन इज फोर आ गया, पर आंसर की है जरा क्वेश्चन आंसर लिखे आने की लिखा फोर कोज ए, फोर मैंने कोज ए दिस इज रोंग दिस इज फॉल्स, साढ़ा आंसर फोर आया ना दिस इज फोर मैंने कोज ए दिस इज फॉल्स, क्लियर है।
right? Sixth part is limit x approach 0 1 minus cos x. The denominator is 1. देखो अपन पहले तो नहीं पुट कर रहे जब तक ना 0 बराबर 0 फॉर्म दियो भाई तब तक पहले नहीं पुट करते ठीक है नोट करो कि अगर ऊपर वैल्यू 0 पुट करेंगे अपन ऊपर 0 बन जाए कोई गल नहीं डिनोमिनेटर 0 आएगी तो वैल्यू पुट नहीं करनी मतलब 0 0 नु ये बंद होवे तो वैल्यू पुट नहीं कर सकते ठीक है लेकिन नोट करो अपन वैल्यू पुट करके देखते हैं कि मतलब डिनोमिनेटर 1 है थले 0 बननी नहीं बिल्कुल भी 1 नहीं आना सो वी कैन पुट द वैल्यू तो असं वैल्यू पुट कर सकते हैं ठीक है मतलब एक्स लिमिट कितनी साढ़े को 0 है जिते साढ़े को एक्स है ना उठे 0 पा लो एंड को जीरो इज 1 0 1 इज दिस आंसर इज 0 ठीक है लिमिट एग्जिस्ट करते भी है आंसर इज 0 बट आंसर इज गिवन 1 सो दिस इज फॉल्स This is false, ठीक है क्लियर है सेकंड पार्ट इज द थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू फोर ऑक्टेंट्स दिस इज फॉल्स एक्चुअली थ्री कोऑर्डिनेट प्लेन्स डिवाइड द स्पेस इनटू एट ऑक्टेंट्स ठीक है इस तो मैं समझने गल नू देखो अपन फिगर बनाई साढ़े सामने देखो साढ़े को फर्स्ट ऑक्टेंट आना दैट इज नोट करियो दिस इज द फर्स्ट ऑक्टेंट राइट फर्स्ट ऑक्टेंट सेकंड ऑक्टेंट सेकंड ऑक्टेंट ठीक है एंड दिस इज द फोर्थ ऑक्टेंट ठीक है थर्ड ऑक्टेंट सॉरी एंड नेक्स्ट इज दिस इज द फोर्थ ऑक्टेंट क्लियर है फर्स्ट ये सेकेंड हो गया थर्ड हो गया है दिस इज फोर एग्जैक्टली फोर ये बैक साइड है ठीक है बैक साइड बनू साढ़े को फोर ऑक्टेंट टोटल हो गया एट ऑक्टेंट ठीक है क्लीयर हो गया इस गल गल समझो कि इन्हें साइन का पता करिए वैसे तो उन्हें पूछा नहीं आप क्वेश्चन ट्रू फॉल्स है फिर भी गलू अंडरसटैंड करते हैं ध्यान समझे गल में कि आप करना की है जिदा हम आप गल करिए सर आप देखो एक्स पॉजिटिव है से प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस वाई माइनस वाई आप पहले जैड इधर लेने आप दिस इज जैड पॉजिटिव ना जैड पॉजिटिव यदि गल करिए पहले आप मतलब ये साइन किया देखो पहले इदा करो तो ही एक्स वाई के साथ लगा लो प्लस साइन सूँ पता कि प्लस प्लस माइनस प्लस राइट ये कि ना को माइनस माइनस प्लस माइनस हम जो आप गल करिए जैड पॉजिटिव गल करिए जैड पॉजिटिव इधर ठीक है आप सिर्फ इधर फ्रंट वाल देख रहे आप बैक साइड नहीं देख रहे आप उस टाइम जो ऑक्टेंट देखो ये साइन किया देखो साइन पर लावे पहले देखो सारे प्लस लगा दो प्लस एक्चुअली हूँ कि है देखो नोट करो साढ़े को एक्स वाई तो जैड एक्स वाई तो जैड एक्स वाई तो जैड मतलब फ्रंट देखो जैड साढ़ा पॉजिटिव है देखो जैड इज पॉजिटिव हेयर जैड इज पॉजिटिव दिस इज जैड पॉजिटिव ठीक है जिस मीन सारे प्लस लगा दो प्लस सारे प्लस ला दिए आप प्लस 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 ये हो गया साढ़े को फ्रंट फोर जोड़े है ना उन्होंने ऑक्टेंट का साइन आप लिख सकते हैं एक बार देखो फर्स्ट ऑक्टेंट साढ़े आ गए प्लस प्लस तीन प्लस हो गए पहले इधर आगे साढ़े को वाले साइन सैकेंड ऑक्टेंट हो गया ना पहले सारे प्लस लाता ना आप सूँ पता पहले सूँ पता ये बारे प्लस प्लस हों माइनस प्लस हों फिर माइनस माइनस हों साढ़े को तो प्लस माइनस हों बाद प्लस प्लस लाता सारा ये साढ़े फर्स्ट ऑक्टेंट के साइन सैकेंड ऑक्टेंट के साइन आवे हो गए माइनस प्लस प्लस
थर्ड ऑक्टन साइन माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस वैसे आप चेक कर सकते हैं कोई भी जिंदा मतलब साढ़े को एक्स इतने प्लस हों वा तो वाई साढ़ा प्लस जैड साढ़ा प्लस है वा लेकिन साढ़ा वाई की इतने वाई नोट करो वाई साढ़ा की है इतने माइनस है ठीक है और वाई एक्स प्लस हो गया जैड प्लस हो गया ठीक है तो मतलब साढ़े को देखो आपने प्लस एक्स प्लस ही इतने एक्स इज प्लस वाई इज नैगेटिव एंड जैड इज प्लस ठीक है क्लीयर है आप वैसे पता कर सकते अपना राइट ये हो साढ़े को पहले जो फ्रंट से गए उन्होंने फोर ऑक्टन का साइन ये साड़ा मैथड होगा याद करने का पहला सीधा आप करते हैं प्लस 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 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस लाता आप हूँ आप बैक साइड की गल करिए बैक साइड जो ऑप्शन बनते सू नज़र नहीं आ रहे ना आने बैक साइड से लगे आह बंदा पे एक ठीक है एक साढ़े को आह वाला बंदा बंदा पे सू नज़र नहीं आ रहा ठीक है इन्हें साइन पता करने आप कि पर करिए देखो हम देखो साढ़े को साइन सेम देखो प्लस ये बैक साइड वाली गल कर रहे हैं प्लस प्लस माइनस प्लस पता ही है माइनस प्लस याद करना मैथड है माइनस माइनस प्लस माइनस जिदा आप क्वाड्रेंट से करते हैं हूँ पहला आप प्लस प्लस सारा प्लस लाया जैड हूँ इतो जैड इतने पिछले की है नैगेटिव बैक साइड से जैड इज नैगेटिव इतने माइनस लगा लो सारे माइनस ला लो सारे से माइनस लाता आप ठीक है राइट मतलब साढ़े हो गए फिफ्थ ऑक्टेन साइन हो गए सिक्स ऑक्टेन साइन हो गए साढ़े को सैवन ऑक्टेन साइन मतलब साइन हो गए एट ऑक्टेन ठीक है जो बैक साइड ही है राइट आड़े की थे फर्स्ट ऑक्टेन के सैकेंड ऑक्टेन के थर्ड ऑक्टेन के फोर ऑक्टेन टोटल हो गए एट ऑक्टेन कितने हो गए एट ऑक्टेन ठीक है ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसैप्ट ओके बेटा अपने पूरी कोशिश की समझा दी क्लीयर है बाकी तो एक जो मॉडल बना सकते हैं तो तुम गल समझ आएगी उतो और याद करना मैं थोड़ा दसता क्लीयर है टोटल एट ऑक्टेंट्स आर देयर दिस इज फॉल्स ओके दिस इज फॉल्स क्लीयर है एट पार्ट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर हैज 53 संडे इज 1/7 देखो नोट करो साढ़े को है कि इन्हें लीप ईयर टोटल होते हैं हमारे पास 366 डेज एंड नंबर ऑफ डेज इन ए वीक इज 7 7 में डिवाइड कर लो इनू 35 आ गया साढ़े को 35 14 टू रिमाइंडर ठीक है देखो 366 बन गया साढ़े को 52 गुणा 7 ठीक है जब 7 गुणा 52 कर लो एक गल है प्लस रिमाइंडर 2 नोट करो इन पैदा भी ले सकते हैं इन गुणा कर लो कितना 364 आ गया साढ़े को प्लस 2 ठीक है हम देखो साढ़े को है कि जो 364 दिन है उस की होंगे साढ़े को 52 बारी की आना वा हर एक दिन आना संडे भी नहीं संडे भी नहीं आना ठीक है देखो पूरा डिटेल समझते गल में संडे शुरू कर संडे मंडे ट्यूसडे वैनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ठीक है अपन दिन पूरे करने देखो संडे आप लाइए तो वो किन्नी बारी आओ देखो 52 बारी हर एक दिन ने 52 बारी आना वा 52 बारी ने आना ठीक है डिटेल समझने गल कोई गल नहीं 52 बारी ये भी कितना गया ठीक है सारे ने आना 52 बारी ओके इट इज ऑलसो 52 डेज ठीक है इन सारे प्लस कर लो ये बनने साढ़े को 366 दिन बनने किन्ने बनने 366 दिन प्लस करके सारे नोट करो साढ़े को हर एक दिन कितनी बारी आ गया 366 अपने 66 दिन 364 दिन बनने 66 नहीं बने 64 बनने 364 ठीक है क्योंकि देखो ना आ 364 बन गया 7 ਨੂੰ 52 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਕੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 364 ਦਿਨ ਪਲੱਸ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਆ ਦੇਖੋ 2 ਦਿਨ ਬਚ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਓਕੇ
उन्हें क्या कि 53 संडेज, 53 संडे उन्हें क्या ना हूँ गल रह गई इसे दो दिन पर, बाकी गल कोई टेंशन नहीं ना रही क्योंकि हर एक विंजावरी आ चुका संडे ना आप मतलब रिपब्लिक करने की इट इज 53 मतलब गल करा सा दिन दो बचे है जी और जो संडे आ जाता वा ठीक है दैन इट बिकम 53 संडे ठीक है हाँ दो रन दिन की गल है सर मेन दो रन की हो सकते देखो संडे मंडे हो सकते हैं संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वैनसडे वैनसडे थर्सडे ठीक है थर्सडे का पता नहीं थोड़ा आया वैनसडे थर्सडे ठीक है थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे सैटरडे संडे ठीक है सैटरडे संडे क्लियर है फ्राइडे सैटरडे तो आप लिखो जो दो दिन है वो की आ सकते देखो या संडे मंडे आ सकते हैं या मंडे ट्यूसडे या ट्यूसडे वैनसडे या वैनसडे थर्सडे या थर्सडे फ्राइडे या फिर फ्राइडे सैटरडे संडे ठीक है क्लियर है हूँ देखो गल दो दिन की करनी आप फिर टोटल आउटकम कितनी है देखो टोटल आउटकम 1 2 3 4 5 6 7 टोटल आउटकम 7 ठीक है टोटल आउटकम इज 7 देखो पहचानने की है 53 संडे 52 बारी तो सारे आ गए तो बैलेंस हो गए ना सारे यहाँ भी 52 बारी सारे आ गए राइट सारे 52 बारी आ रहे हैं गल करनी जो दो दिन बचे है और संडे सानू चाहिए वा आना जरूरी वो साढ़े फेवर च है फिर जिस दो गए साढ़े को है जिते साढ़े को संडे आ रहा देखो चैक करो टोटल बन गए 7 केस देखो 1 2 दो दिन बचे ना 4 5 6 7 टोटल आउटकम इज 7 ठीक है जो साढ़े को 7 आ गया ठीक है 7 लिख लिया टोटल आउटकम्स ठीक है साढ़े फेवर च की है ना टोटल आउटकम ठीक है कुछ भी दिन आ सकता संडे मंडे मंडे ट्यूसडे ट्यूसडे वैनसडे कोई भी दिन आ सकते दो दिन ठीक है लेकिन अपना जो 53 संडे करने हैं साढ़े फेवर च की आऊगा 53 संडे ताई बनूंगे साढ़े को अगर साढ़े को जो दो दिन बचे है वो या संडे मंडे आ जाए या फिर क्या जाए सैटरडे संडे ठीक है इन्हें कोई भी दिन आए साढ़े 53 संडे बन जाने हैं क्योंकि 52 तो पहले आ चुके हैं राइट इन मतलब साढ़े को फेवर जोड़े है ऑप्शन कि दो कि सत्तों में एक साढ़े को आ फेवर चा एक आ फेवर चा दो दिन ही है दो दिन ही मतलब दो ऑप्शन है साढ़े दो वेज है टू वेज ओनली तो साढ़ा प्रोबेबिलिटी कितनी है साढ़े को प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे ठीक है कितनी हुई साड़ी प्रॉपर्टी 2/7 ठीक है 2/7 प्रॉपर्टी 53 संडे ठीक है लेकिन आंसर देखो कि आंसर इज 1/7 दिस इज फॉल्स ठीक है ये आंसर आना ही ये साढ़े को लीप ईयर ना होता इन लीप ईयर इट इज 2/7 आंसर है आंसर इज 2/7 लिखा 1/7 सो दिस इज फॉल्स ठीक है बेटा क्लियर है।